जगदम्बा किड्स वर्ल्ड से हमारे साथ सचिन अग्रवाल जुड़े हैं, बात करते हैं सर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एक से बढ़कर एक डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है आपकी जो स्टॉल पर जितने भी मॉडल्स लगे हैं, प्ले कार्ड जो कार्स हैं, बाइक्स हैं, इन सब के बहुत ही अमेजिंग। कैसे डिज़ाइन करते हैं ये? हमारे पास डिज़ाइनर की टीम है, हम उनसे डिज़ाइन करवाते हैं। 6 महीने तो खाली डिज़ाइन के लिए लग जाते हैं कोई प्रोडक्ट को, उसके बाद भी कई डिज़ाइन फेल होते हैं, उसके बाद आखिर में जाके एक बेस्ट डिज़ाइन निकल के आता है। तो बेसिकली हम साल में कम से कम 1-2-3 डिज़ाइन सक्सेसफुली लॉन्च कर पाते हैं। जगदम्बा टॉय, जगदम्बा किड्स वर्ल्ड अभी तक कितने मॉडल्स उतार चुका है मार्केट में और आगे आने वाले समय में कितनी तैयारियाँ हैं आपकी? भाई हमको चालू करके 4 साल हुआ है, अभी तक हमने 12-13 मॉडल उतार दिए हैं मार्केट में, और आने वाले साल में हम और 5 मॉडल उतारने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉय विज से पहले। अच्छा, क्या स्पेसिफिकेशंस को माइंड में रखते हुए आप नए मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी AI और AR का भी ज़माना है, क्या उनको भी दिमाग में रखा है, कुछ आइडियाज़ हैं आपके मन में? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अब AI इज़ ए ग्रोइंग इंडस्ट्री और अभी हर चीज़ में AI का यूसेज हो रहा है। हम भी चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स में काफ़ी AI का यूज़ हो, किस तरीके से हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ऑलरेडी कई चीज़ें हैं जो बैक बर्नर पे है, अभी बन रही है, अभी मैं यहाँ तो डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ये थोड़ा ट्रेड सीक्रेट रहता है, बट ज़रूर आएगी और बहुत बहुत इनोवेशन के साथ आएगी AI। बिल्कुल, BIS अप्रूव्ड रह के लिए बोला गया है स्पेसिफिकली कि जितने भी खिलौने निर्मित हो वो एक BIS अप्रूव्ड हो, अपनी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि क्वालिटी जब मार्केट में अच्छी उतरती है तो जो ग्राहक होता है वो बार बार रिपीट होता है। डेफिनेटली मैडम, BIS एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड डाला है इंडियन गवर्नमेंट ने, पहले ये नहीं था। अब जब से BIS लागू हुआ है काफ़ी स्टैंडर्ड बढ़ चुका है इंडियन टॉयज़ का, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का, और चाइना से जो फालतू टॉयज़ आते थे जो क्वालिटी सबस्टैंडर्ड रहती थी वो अब आना बंद हो चुके हैं। हमने BIS आने के बाद ही हमारी फैक्ट्री सेटअप की है। वी वेयर द सेकेंड पर्सन इन इंडिया टू गेट BIS एंड वी वेयर द फर्स्ट पर्सन टू मैन्युफैक्चर दिस टॉयज़ इन इंडिया। जो आपकी जितनी भी कार हैं, कितनी कार अभी तक आप 100% इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कर पाए, क्योंकि कुछ चीज़ों में होता है कि चीज़ें हमें पार्ट्स जो होते हैं बाहर से मंगाने पड़ते हैं, कितनी अभी तक आपने मॉडल्स है तो ऐसे उतारे हैं जो 100% मेड इन इंडिया हैं? हमारे 100% मॉडल मेड इन इंडिया ही है। एक भी मॉडल आपको चाइना से बने हुआ या चाइना के कुछ पार्ट्स आ रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ कुछ चिप आती है, जो इसका चिप आती है वो हम लोग ताइवान से मंगाते हैं, वो भी चाइना से नहीं मंगाते, ताइवान से आती है। बाकी हर चीज़ हमारी फैक्ट्री में बनी है, मशीन पूरे लगे हैं हमारी फैक्ट्री में, काफ़ी बड़ा यूनिट है हैदराबाद में जिसमें छोटे से बड़ा हर पार्ट वहीं पे बनता है। बिल्कुल, टॉय बिज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने नए नए इन्वेंशंस को यहाँ पर शोकेट करने का, शोकेस करने का। तो क्या लगता है कि जब आप अपने नए मॉडल्स को यहाँ पर उतारते हैं, दिखाते हैं, तो कितना बेनिफिट हो रहा है आपको, कितने लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, इंटरेस्ट कितना आ रहा है? मैडम, टॉय बिज इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है, होपफुली साउथ एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है टॉयज़ के लिए। ऐसा एग्जीबिशन है जिसमें हर छोटे से छोटा रिटेलर, बड़े से बड़ा होलसेलर और मैन्युफैक्चरर सब आते हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरर तो शोकेस करते ही हैं, सब रिटेल, छोटा ग्राहक, छोटे दुकानदार तक भी आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई छूटता नहीं, हर कोई मिलता है हमें, और हमें यहाँ से ही हमारा ट्रेड बूस्ट हुआ है। जो लेवल ऑफ स्केल बन गया है टॉय बेस पिछले कई सालों से ग्रो करते करते लोगों की इतनी अल्टीमेट रीच तक पहुँच गया है। अब हमें तो कंपल्शन हो गया है यहाँ पे लगाना है, ताकि हमको अगर हर किसी से मिलना है, हर किसी को केटर करना है, तो हमारे लिए बेस्ट प्लेस यही है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रही है, जोर दे रही है, एक्सपोर्ट के लिए कितने तैयार हैं, अब तक कितनी बार एक्सपोर्ट किया है या फिर अभी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं एक्सपोर्ट का? एक्सपोर्ट के लिए हमने यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं। वैसे सराउंडिंग कंट्रीज़ जैसे हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, यहाँ तो अभी हमारा माल जा रहा है। अभी हम यूरोप और USA के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, होपफुली नेक्स्ट फिर हम यूरोप में लगाएंगे। बिल्कुल, अभी तो इंटरनेशनल बायर्स भी आ रहे हैं शॉप पर, कैसा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या क्वेरीज आ रही हैं और क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हैं?
एक्सपेक्टेशंस बेसिकली वो प्राइस कंपैरिजन ही है कि जो चाइना से है और हम मैच कर देंगे उनको। और काफ़ी इंक्वायरीज आई है गल्फ से, सऊदी है, ओमान है, ये कंट्रीज से, दुबई है, यहाँ से काफ़ी इंक्वायरीज आई हैं। हमने उनको अभी कन्वर्ट करना है, उनसे मीन्स करस्पॉन्डेंस कन्वर्जेशन नेगोशिएशंस करके उसको कन्वर्ट करना है। होपफुली एग्जीबिशन के बाद हम लोगों को कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में एक ऐसी चीज़ जो आप हमारी जनता को बोलना चाहें। बोलना क्या है, टॉय बीस इज़ द बेस्ट। आज की तारीख में इससे बड़ा एग्जीबिशन इंडिया में तो नहीं है, साउथ एशिया का ये सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। और मैंने जैसे कहा था, छोटे से छोटा दुकानदार जो महीने में लाख रुपए के ही टॉयज बेचता होगा, वो भी यहाँ आएगा, यहाँ से नवी चीज़ देखेगा, यहीं से खरीदेगा। और यहाँ पे जो रहते हैं टॉय बीस में, वो एक अलग ही भरोसा बनता है कि टॉय बीस में जो सेलर्स रहते हैं उनके लिए एक अलग ही भरोसा, अलग ही एक ब्रांड है उनके लिए। तो उनको बेचने के लिए कोई अपने प्रूफ देना नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सर्टिफाइड लोग हैं जो यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं, और उनका स्केल भी दिखता है काम का। तो यहाँ पे ये चीज़ की बहुत ज़्यादा सुविधा है हमें। बिल्कुल, तो देखिए टॉय बीस से हम ये कहेंगे कि 100% यहाँ जितने भी स्टॉल लगा रहे हैं लोग, उनको फ़ायदा तो हो रहा है, क्योंकि क्वेरीज देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रही है। अब देखना ये होगा कि कितने लोग इनके पास कन्वर्ट होते हैं एज अ कस्टमर, एज अ बायर, और क्या कुछ जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती है। लेकिन स्वदेशी को हैट्स ऑफ है, और हम ऐसे लोगों को सलाम करते हैं जो देश की चीज़ों को देश की ही चीज़ों से निर्मित कर रहे हैं। 100% मेक इन इंडिया आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसी और तमाम स्टॉल पर लेकर जाएंगे जो मेक इन इंडिया की तर्ज पर 100% इंडियन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।